बात करेंगे छत्तीसगढ़ के रण की। पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है, सभी 20 सीटों पर खत्म हुई वोटिंग। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 3 बजे तक वोट डाले गए और बाकी बची 10 सीटों पर 5 बजे तक वोटिंग होगी। तो लाइन में जो वोटर्स लगे हुए हैं वो अपना वोट दे पाएंगे, मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन शाम 5 बजते ही वोटिंग खत्म हो चुकी है। जो पहले से ही कतारों में लगे हुए थे, अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो मतदान कर पाएंगे। तो पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और सुबह से ही जैसे ही वोटिंग शुरू हुई थी, लगातार न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको हर एक पल की अपडेट दे रहा है, ताजा तस्वीरों के साथ आप तक हर हलचल पहुंचा रहा है। और इस टीवी स्क्रीन को जरा ध्यान से देख लीजिए, इस टीवी स्क्रीन पर आपको इस रण के पहले चरण से जुड़ी हुई हर जानकारी, हर महत्वपूर्ण जो चीज है वो पता चल पाएगी। तो बिल्कुल 7 बजे से 3 बजे तक कहां कहां पर वोटिंग हुई वो आपको बता देता हूं सिलसिलेवार तरीके से। कांकेर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, चित्रकूट, कोंटा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, केशका, लाणपुर और मोहला मानपुर, जहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, 73% वोटिंग यहां पर हुई है। और बीजापुर, यहां पर वोटिंग खत्म हो चुकी है क्योंकि 3 बज चुके हैं, 7 बजे से 3 बजे तक यहां पर वोटिंग होनी थी, लेकिन 8 से 5 बजे तक दूसरी पाली में भी मतदान होना है। उन वो सीटें हैं जगदलपुर, बस्तर, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खैरागढ़, कवर्धा, पंडरिया, खुज्जी। तो पहले चरण की 10 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। अब तक 60% से ज्यादा वोटिंग के आंकड़े सामने आए हैं। मोहला मानपुर में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, बीजापुर में सबसे कम वोटिंग हुई है। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ भी हुई थी, 2 से 3 नक्सलियों के इसमें मारे जाने की खबर है। सुकमा में पुलिस ने नक्सलियों को खदेड़ दिया। पहले चरण की 10 बड़ी बातें, और वोटिंग के दौरान यहां पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। लंबी लंबी कतारों में लोगों ने यहां पर खड़े होकर मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो चलिए, अलग अलग जगहों से हमारे सीओ को जुड़ गए हैं श्रीनिवास नायडू। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ हालात है वहां के? आकाश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी बिल्कुल। कितना वोटिंग फीसदी आकाश वहां पर हुआ है, और अभी भी क्या लोगों में जबरदस्त